हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस हमारे नॉलेज ऑफ चैनल काफ़ी चैनल पे शॉर्ट एंड सिखाई जाती है और अब तक मैंने आपको 29 चैप्टर करवा दिए हैं। आज हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट होगा, चैप्टर 30, जिसमें हम फिगर्स देखेंगे कि फिगर्स शॉर्ट एंड में कैसे लिखते हैं। तो गाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो बीच में कोई ना कोई डेट होती है, कोई अमाउंट बोल दिया जाता है, तो उसको जल्दी आप जीरो तो नहीं लगा पाओगे ना, तो इसलिए उसको भी शॉर्ट एंड में लिखा जाता है। तो गाइज, आप यहाँ देखिए कि 100 का ये सिंबल बनेगा, 1000 और थाउजेंड्स, तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे हमारा 400,000 देखिए, 400,000 ऐसे बना हुआ है। फिर हमारा 3 मिलियन बना हुआ है, फिर हमारा 700 मिलियन देखिए कैसे बना हुआ, फिर 4 बिलियन। तो गाइज, ये इन नंबर्स के जो फिगर्स हैं उनको याद करना है आपको, उसके शॉर्ट एंड की आउटलाइंस याद करनी है। उसी के साथ साथ आप ये देखिएगा कि प्रिंसिपल्स मॉनेटरी यूनिट्स, जैसे कि हमारे पाउंड्स हो गए। ठीक है गाइज, पाउंड्स देखिए, पाउंड्स का ये सिंबल्स होता है, तो 200 पाउंड्स देखिए कैसे लिखा है, 6000, ये पाउंड 6000 लिखा है, 6000 पाउंड्स लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये 5 मिलियन पाउंड्स है, तो 5 मिलियन पाउंड्स लिखा हुआ है। डॉलर का सिंबल ये होता है, फिर डॉलर्स ऐसे लिखते हैं, तब देखिए 15,000 डॉलर कैसे लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये फ्रांस है, ये हमें ऐसे हमारा 400 फ्रांस लिखा हुआ है फर्क करके। ठीक है, ऐसे हमारे रुपीज़ का ये सिंबल होता है, 2 मिलियन रुपीज़। तो गाइज, ये आपको याद करना है, ऐसे ये परसेंटेज का सिंबल होता है। तो गाइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, क्योंकि ये चीज़ लर्न करके ही आपको अच्छे से आएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको एक ये चैप्टर भी दिखा, ये चैप्टर के आगे का दिखा देती हूँ। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो बच्चे फ्री हैं उनको ये पढ़ सकते हैं कि एरोज़ और एरोज़ दो सिमिलर वर्ड्स हैं, तो उनको कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो एसेंट के अकॉर्डिंगली ये देख लीजिए। ठीक है, उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो एम्फसिस वाला, यहाँ तक आप ये पढ़ लेना, फिर प्रॉपर नेम्स पढ़ लेना। तो गाइज़, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों को चैप्टर में आगे कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि कई बार किसी किसी लैंग्वेज में, जैसे कि आप देख रहे हो कैसे लिखा जाता है जर्मन में, कैसे मतलब बोलते, तो ये तो सिंबल यूज़ हो जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको करने की याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप लर्न कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसी के साथ आप ये देखिए, ये हमारी एक्सरसाइजेस में 120, तो हम अपनी ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराया है इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको लर्न करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब करें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।